स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा देश कई सरप्राइजेस से भरा पड़ा है, जहां देश में कई ऐसी जगह हैं जो अपनी यूनिकनेस के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही एक जगह इंडिया के सदर्न स्टेट तमिलनाडु के ईस्ट पर बसे रामेश्वरम आइलैंड पर लोकेटेड है। जगह को लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और यहाँ जाने वाली रोड को लास्ट रोड ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की आखिरी सड़क का दर्जा प्राप्त है। एक ऐसी जगह जहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक ऐसी जगह जो ऑफबीट डेस्टिनेशन के रूप में लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं धनुषकोडी की। दोस्तों, भले ही आप में से कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में पहले सुना हो, लेकिन आज धनुषकोडी अपनी मिस्ट्रीज और रिलीजियस बिलीफ के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये इंडिया का वो लैंड है जहां दो समुद्र आपस में मिलते हैं, यानी यहां आप इंडियन ओशन के डीप एंड शैलो वाटर्स को बे ऑफ बंगाल के काम वाटर्स में मिलते हुए देख सकते हैं। धनुषकोडी में बहुत सारी अमेजिंग सीनिक ब्यूटीज हैं। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस जगह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम धनुषकोडी के बारे में बात करेंगे, जहां हम धनुषकोडी की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। वहीं हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये रिलीजियस और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी आईक्यू अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टी से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14th ऑफ जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो धनुषकोडी तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट पर रामेश्वरम आइलैंड के किनारे लोकेटेड है। ये पंबन आइलैंड के साउथ ईस्ट में मौजूद है और इसे पार्क स्ट्रेट इंडियन मेनलैंड से सेपरेट करती है। श्रीलंका के तालीमन्नार से धनुषकोडी मात्र 24 किलोमीटर वेस्ट में बसा हुआ है। वहीं धनुषकोडी इंडिया और श्रीलंका के बीच एकमात्र टेरेस्ट्रियल बॉर्डर भी है। धनुषकोडी की टोटल लेंथ सिर्फ 50 yards है, इसलिए इस जगह को वर्ल्ड की सबसे छोटी जगह यानी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। आज ये खास जगह अपने ऑफबीट टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग दिन के वक्त घूमने आते हैं, लेकिन शाम होने से पहले सभी लोगों को वापस रामेश्वरम भेज दिया जाता है, क्योंकि यहां रात में घूमना या रुकना मना है। रामेश्वरम से धनुषकोडी का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है, जो कि एक्सट्रीमली डेजर्टेड है, लेकिन अब सरकार इस समस्या का समाधान तैयार कर रही है, ताकि इस डेजर्टेड जर्नी को इजी और कन्वीनियंट बनाया जा सके। दोस्तों, धनुषकोडी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया गया था। रामायण के अकॉर्डिंग जब भगवान राम लंका जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान को एक पुल बनाने का आदेश दिया था, ताकि वानर सेना समुद्र को पार कर सके। इस पुल के बनने के बाद और भगवान श्री राम के श्रीलंका पहुंचने के बाद, जब उन्होंने रावण को जीत लिया, तो विभीषण ने उनसे कहा कि आप उस पुल को तोड़ दीजिए, और उस पुल को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से इस पुल पर प्रहार किया, जिससे ये पुल टूट गया। और कहा जाता है कि इसी वजह से इसका नाम धनुषकोडी पड़ा, जिसका मतलब है एंड ऑफ द बो। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोटी या कोड़ी का अर्थ सिरा होता है। धार्मिक मान्यता की वजह से लोग यहाँ स्नान भी करने आए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यदि जो लोग काशी में गंगा स्नान करते हैं, वो धनुषकोडी में आकर स्नान कर लें, तो उनकी तीर्थयात्रा सफल हो जाती है। इन सब के अलावा धनुषकोडी से जुड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट भी है। दरअसल 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में हुए धर्म सांसद में पार्टिसिपेट करके लौट रहे थे, तब वो इंडिया में सबसे पहले धनुषकोडी ही गए थे। दोस्तों, धनुषकोडी पहले रामेश्वरम से बड़ा शहर हुआ करता था और इंडिया का एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस था, और यहाँ एक बड़ी आबादी रहा करती थी। धनुषकोडी में एक रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, होटल,
पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट का फिशरीज डिपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन 22 दिसंबर 1964 में आए एक साइक्लोन ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये पूरी धरती वीरान हो गई। इस इंसिडेंट में करीब 1800 लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान एक पूरी ट्रेन ही समुद्र में समा गई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग सवार थे। इस डिजास्ट्रस इंसिडेंट के बाद से इस जगह को अनफिट फॉर रेसिडेंस घोषित कर दिया गया। हालांकि धीरे धीरे ये जगह गुलजार हो रही है और धनुषकोडी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। दोस्तों फिलहाल टूरिस्ट और डिवोटी धनुषकोडी बाई रोड ही पहुंचते हैं। 1964 इंसिडेंट के बाद यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर से रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच रेलवे लाइन को रिवाइव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। दरअसल सदर्न रेलवे ने रामेश्वरम और धनुषकोडी को रेल लिंक से कनेक्ट करने के लिए न्यू मास्टर प्लान तैयार किया है। जोनल ऑफिस द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजे गए न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग रामेश्वरम और धनुषकोडी को एक बार फिर रेल लेन से कनेक्ट किया जाएगा ताकि रामेश्वरम आने वाले टूरिस्ट को धनुषकोडी पहुंचाने का एक इजियर और कंफर्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सके। मदुराई डिवीजन के डिविजनल इंजीनियर हृदेश कुमार के मुताबिक धनुषकोडी स्टेशन का टूरिज्म और रिलीजियस दोनों तरह का इम्पोर्टेंस है। ऐसे में यहाँ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रेल लाइन बहाल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया गया है। उम्मीद करी जा रही है कि उस प्रपोजल को जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा। प्रपोजल के अकॉर्डिंग 18 किलोमीटर की लाइन में 5 किलोमीटर ग्राउंड और 13 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक होगा। इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ की कॉस्ट आने का अनुमान है। वैसे धनुषकोडी प्रोजेक्ट को भले ही रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए ओल्ड पंबन ब्रिज के बगल में न्यू रेल ब्रिज का काम काफी तेजी से चल रहा है। ये देश का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, यानी ये ट्रेन और शिप्स के लिए क्रॉस पासिंग का काम करेगा। दोस्तों धनुषकोडी की इम्पोर्टेंस सिर्फ उसके मॉडर्न डे टूरिज्म या एंशियंट टाइम्स के रिलीजियस सिग्निफिकेंस में नहीं छिपी, बल्कि धनुषकोडी से जुड़े सबसे मेजर फैक्टर है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। दरअसल धनुषकोडी की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है जिससे श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होने वाले ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट हब के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता है। ऐसा करने से इन देशों के साथ होने वाले ट्रेड को बूस्ट किया जा सकेगा। साउथ ईस्ट एशिया या श्रीलंका से आने वाले गुड्स के लिए इस एरिया को एक इंटरमीडियरी सेंटर की तरह डेवलप किया जा सकता है, जहां बाहर से आने वाले गुड्स और इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले आइटम्स को स्टोर और फिर डिस्पैच किया जा सके। वहीं सरकार इस एरिया को एक ट्रेड फ्री जोन के रूप में विकसित करने पर भी विचार कर सकती है, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के साथ होने वाले ट्रेड को क्वांटम बूस्ट मिल सकता है। आज दुबई जैसे देश ऐसे ही ट्रेड फ्री जोन बनाकर लाखों करोड़ों का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश की ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा श्रीलंका से इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इस लोकेशन को मिलिट्री डेवलपमेंट के रूप में भी एक्सेलेंट पॉइंट बनाती है। चाइना से बढ़ती श्रीलंका की नजदीकियां हमारे लिए कांस्टेंट थ्रेट बनती जा रही हैं, जहां चाइनीज सबमरीन्स आए दिन श्रीलंकन बॉर्डर्स के सहारे इंडियन कोस्टलाइन पर सर्वेलेंस करती नजर आती हैं। ऐसे में आने वाले समय में धनुषकोडी को एक काउंटर सर्वेलेंस बेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जहां हाईटेक रडार सिस्टम की मदद से चाइनीज एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों 1964 डिजास्टर के बाद यहाँ पहुंचने के सभी रूट का कनेक्शन खत्म हो गया था और ये जगह वीरान हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बार फिर ये जगह आबाद होती नजर आ रही है। ऐसे में धनुषकोडी का सफर अभी और भी लंबा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार रामेश्वरम धनुषकोडी रेल रूट को जल्द ही अप्रूवल दे देगी। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में आप भारत के किस यूनिक लोकेशन पर चलना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड ट्रेड फ्री जोन? कैन इंडिया रियली बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई क्रिएटिंग ट्रेड फ्री जोन्स इन एन हेल्दियर वे? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।